शामिल करते हैं सुभान अल्लाह आप अच्छे तरीके से मिक्स करने के पहले है सुभान अल्लाह माशाल्लाह कमाल कमाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिमला मिर्च और आलू की सब्जी किस तरीके से तैयार होती है मेरे भाइयों, तवज्जो से मेरी बात को सुनिएगा, तसल्ली से देखिएगा। टेस्टफुल किस तरीके से बनती है, करंची टेस्टफुल मज़ेदार, तवज्जो से देखिएगा। शिमला मिर्च और आलू की सब्जी तैयार करने के लिए एक पाव आलू ले लिए, जो दरमियाने साइज़ के दो थे इस तरीके से काट लिया मैंने इस साइज़ में। पानी के अंदर 3 अदद सब्ज मिर्चें ले ली, इनको मैं बारीक बारीक काट लूँगा। ये 2 अदद टमाटर ले लिए, इनको मैं बारीक चॉप कर लूँगा। 3 अदद शिमला मिर्चें ले ली, वज़न में देखा जाए तो 300 ग्राम बनती हैं। एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया, उसको चॉप कर लिया। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया। अब ये शिमला मिर्चें मैंने किस तरीके से काटनी है ये मैं आपको बता दूँ। ऐसे ऐसे ये सेंटर वाला जो इसके बीज वगैरह हैं इसको रिमूव कर दें इस तरीके से। और इसको इस तरीके से काट लें, ठीक हो गया। जिस तरीके के आलू कटे हुए हैं उस तरीके की काट लें। आप इसकी कटिंग चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन इस तरीके से खूबसूरत लगती हैं ये देखें इस तरीके से, ऐसे 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 ऐसे, ये सब मैं इस तरीके से काट लूँगा। सबसे पहले इसके साथ का एक पैन ले लें, फ्लेम को ऑन कर लें, कुकिंग ऑयल शामिल कर दें। ये तकरीबन 50 ग्राम बनता है, ठीक है। ये पोहा छोटे वाला बस ये शामिल कर दें, इसको गर्म होने दें। ऑयल गर्म हो चुका है, सफ़ेद ज़ीरा 1/2 टेबल स्पून शामिल कर दें। 20 सेकंड तक इसको सोते कर लें, ठीक हो गया। 20 सेकंड के बाद ये जो प्याज था चॉप किया हुआ शामिल कर दें। फ्लेम को मीडियम कर दें, हाई फ्लेम बिल्कुल ना रखें, ठीक हो गया। मीडियम फ्लेम पे इसको थोड़ा सा सोते कर लें। प्याज थोड़ी सी सोते हुई हमने इनको डार्क की तरफ लेके नहीं जाना, ये बात आपके जहन में रहे। फार्मूले समझते रहा करो, टाइम थोड़ा होता है, मैं समझता कि तू थोड़े टाइम दे तो ज़्यादा गला समझा देवा, रेसिपी लंबी ना हो, ठीक हो गया। आलू जो हमने काट के रखे हुए थे शामिल कर दें और आलूओं को अच्छे तरीके से इसमें भून लें। साथ में जो लहसुन अदरक का हमने पेस्ट तैयार किया था वो भी शामिल करने लगे आलूओं के साथ ही, ठीक हो गया। तीन मिनट हमने आलू फ्राई किए, हमने पहले टमाटर नहीं दाब देने, हमने पहले आलू डाले ताकि वो क्रंची पान आ जाए उसमें। अगर हम टमाटर डाल देते पहले तो आलू क्रंची ना बनते, टेस्टफुल सब्जी ना बनते, ठीक हो गया। 2 टमाटर जो चॉप किए थे शामिल कर दें, अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर दें इस तरीके से। देखिए इसको मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, ऊपर से इसको कवर लगा दें, दम वाला फ्लेम कर दें, 5 मिनट के लिए छोड़ दें। ये ना जी 5 मिनट के बाद कवर उठाने लगे हैं, सुभान अल्लाह अच्छे से टमाटर हमारे टेंडर हो चुके हैं। ये आप कैमरा मैन आपको दिखा सके तो ये देखें अच्छे तरीके से, ठीक हो गया। अब कोशिश किया करें कि सब्जी पानी काट तो काट दबिया करो, ठीक हो गया, टेस्टी बनेगी। 3 सब्ज़ मिर्चें जो मैंने काट ली थी बारीक शामिल कर दें। रेड चिल्ली पाउडर 1/2 टीस्पून शामिल कर दें। हल्दी 1/4 टीस्पून शामिल कर दें। नमक 1/2 टीस्पून शामिल कर दें, ये अपने टेस्ट के हिसाब से। खुश्क धनिया पाउडर 1 टीस्पून शामिल कर दें। ज़ीरा 1 टीस्पून शामिल कर दें, अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। मिसाले डाल के अच्छे तरीके से मिक्स किया और 1 मिनट तक उसको भुनाई कर ली मिसाले की, पानी नहीं दबे मिर्च, ठीक हो गया। शिमला मिर्चें जो काट के रखी हुई थी शामिल कर दें, सुभान अल्लाह माशाल्लाह इस तरीके से मिक्स कर दें इसको, ठीक हो गया अच्छे तरीके से। मिक्स करने के बाद हम इसको दम वाले फ्लेम पे ले आएंगे, दम वाले फ्लेम पे इसको 8 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देंगे। ये लीजिए इसको कवर कर दें, 8 मिनट के लिए छोड़ दें, 8 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। 8 मिनट के बाद कवर उठाने लगे हैं, सुभान अल्लाह माशाल्लाह आलू शालू गल गए, शिमला मिर्चां गल गई हैं, पानी भी नहीं दबिया बेच, ये देखें इस तरीके से सुभान अल्लाह। इस टाइम पे आके फ्लेम दम वाला है, ये गल समझ आई है, मुझे लग रहा है नमक इसमें थोड़ा सा कम है, 1/4 टीस्पून नमक थोड़ा सा शामिल कर दें। ये अपने टेस्ट के हिसाब से नमक का ख्याल किया करो। कुटी हुई मिर्च 1/2 टीस्पून ये इसका टच है शामिल कर दें। गरम मसाला 1/2 टीस्पून शामिल कर दें। फ्लेम को हाई कर दें, इसको मिक्स कर लें, 1 मिनट के लिए पका लें हाई फ्लेम पर। 1 मिनट तेज फ्लेम पे हमने इसकी जो है ना भुनाई की और इसको सब धनिया डाल दें इस टाइम पे आके,
ऊपर से कवर लगा दें, फ्लेम को बंद कर दें। यानी जी एक मिनट के बाद फ्लेम बंद करके हमने रख दिया था, अब इसका कवर उठा दिया। सुभान अल्लाह, खुशबुआ चस्के माशाल्लाह, मिक्स कर दे अच्छे तरीके से। क्या बात है, क्या शिमला मिर्च ते आलू की सब्जी का मैं तरीका दस दिता है। ठीक हो गया, इस तरह खड़ी खड़ी होनी चाहिए, ऐ नहीं कि बिच परता बना दो, आलू भी टूट गए तो शिमला मिर्च भी टूट गई। पता होना चाहिए कि क्या चीज़ बनी हुई है, टेस्टफुल कैसे है। सुभान अल्लाह माशाल्लाह, कमाल कमाल कमाल। ये देखें किस तरीके से मैंने आपको तरीका बताया कि शिमला मिर्च और आलू की सब्जी आप तैयार कर सकते हैं, टेस्टफुल किस तरीके से बन सकती है। पराठे के साथ ही बहुत टेस्टी लगती है, चावलों के साथ भी बहुत टेस्टी लगती है। आप ट्राई करें, घर वालों के लिए बनाएं, कारोबार करें, अपने को ढाबे पे ये बनाना चाहते हैं वो बना लें, हमें दुआओं में याद रखा करें। अगर आपको शिमला मिर्च और आलू की रेसिपी हमारी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर करें। जितना आप शेयर करेंगे किसी बेरोजगार अफराद तक हमारा पैगाम पहुँचेगा। फेसबुक पर हमारा पेज है, उसको लाइक किया करें, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो किया करें, दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।